बजट कोरोना बाद इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। बजट कोरोना बाद ठीक आपको 10 मिनट के बाद बजट भाषण इंडिया न्यूज पर लाइव मिलेगा आपकी भाषा में हिंदी में। बजट भाषण हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे। बजट का मतलब क्या है, क्लिष्ट नहीं, आसान शब्दों में ही आपको हम बताते चले आ रहे हैं और आपकी आपकी समझ के हिसाब से ही हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। अभी की बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चली है और कैबिनेट अप्रूवल बजट को मिल गया है और थोड़ी ही देर के बाद में यानी ठीक 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आपको नजर आएंगी और लोकसभा में उनका बजट भाषण इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। इंडिया न्यूज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बजट आप देखेंगे, उसे आसान तरीके से समझेंगे। महंगाई के लिहाज से क्या सस्ता क्या महंगा हम आपको बताएंगे। टैक्स में आपके लिए क्या बचा कितना बचा ये भी हम आपको बताएंगे। आपके खाने पीने घूमने फिरने बिजली सड़क पानी रोटी कपड़ा मकान आसान शब्दों में बताने वाला इकलौता चैनल भारत का इंडिया न्यूज, जिसने पूरी तैयारी कर रखी है। यानी 2021-22 के बजट से आपको क्या मिलेगा, आपके घर वालों को क्या मिलेगा, आपके बच्चों को क्या मिलेगा, आपके बुजुर्गों को क्या मिलेगा, आपके घर की महिलाओं के लिए क्या खास है, आपकी रसोई के लिए यह बजट क्या लेकर के आने वाला है। रिजर्व बैंक के लिहाज से इकॉनमी के लिहाज से ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि कोरोना काल के बाद का बजट है, एक बार फिर से गौरव जी के पास में जाना जरूरी है क्योंकि हेल्थ सेक्टर को लेकर के मेरी बात काफी देर से हो नहीं पाई है। गौरव जी, क्योंकि दवा बनाने का कच्चा माल जिसे बोलते हैं टेक्निकल भाषा में एपीआई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हमें मंगाना पड़ता है चीन से, क्या इस बजट से देश दवा निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर हो गया या नहीं और देशभर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के भी क्या किसी बड़े और नए फंड की घोषणा की जाएगी? देखिए, हेल्थ केयर को लेकर अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी 2021 की बात करें तो एक पूरा चैप्टर दिया गया हेल्थ केयर के, उसमें लिखा है हेल्थ केयर टेक्स सेंट्रल स्टेज। डेट मीन्स कि कोरोना के बाद सरकार को ये समझ आ गया है हेल्थ केयर भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जिसमें सरकार ने बोला है कि अगर वो मात्र 2.5% ऑफ द GDP अगर वो हेल्थ केयर में अगर खर्च करना शुरू कर दे तो एक जो आम इंसान है उसका जो हेल्थ केयर का बजट है 65% से 35% रह जाएगा। डेट मीन्स केवल 2.5% ऑफ द GDP खर्च करने पे हेल्थ केयर का खर्चा आम आदमी का आधा रह जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी में ये भी बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं विजय हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो लगभग 7 गुना महंगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर ले, जो कि हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम कराया कोरोना काल में, जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा चीज़ें करी उसको आगे बढ़ाते हुए हेल्थ केयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा, चाहे वो दवा मैन्युफैक्चर करने की बात हो, चाहे वो एम्स खोलने की बात हो, चाहे और सरकारी अस्पताल खोलने की बात हो। आपने लेकिन एक बात का जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा कि दवा बनाने का कच्चा माल जिसे एपीआई बोलते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, इसके लिए बार बार हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता था, क्या इस मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा? मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि ये कोरोना के बाद का बजट है और कोरोना के बाद के बजट का मतलब यह है कि हमें हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज के लिए चीन की तरफ देखना पड़े। हेल्थ के लिए चीन की तरफ देखना पड़ता था, हथियारों के लिए कभी इजराइल की तरफ देखना पड़ता था, कभी फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था, कभी यूएस की तरफ देखना पड़ता था, अलग अलग मुल्कों की तरफ देखना पड़ता था। इस लिहाज से हम कितना मजबूत होंगे, हमारे कंधे कितने मजबूत होंगे? जी, अगर आज हम ये सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तक हमें देखना है कि जो हमने कोरोना के बाद हमने वैक्सीन अपने इन्वेंट करी, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में एक आगे कदम है और मेरे को नहीं लगता कि अब हम कहीं चीन पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट चीन से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सरकार, मैंने जैसे बताया कि सरकार के अभी हम और 15 मिनट में देखेंगे, सरकार के लिए जो हेल्थ केयर का जो है काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है और इन सब चीजों को लेकर सरकार एक कोई ना कोई बड़ी घोषणा करेगी। ओके सर, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर फिर से रुक जाते हैं। ये देश का सबसे बड़ा पैनल है जिसमें टैक्स एक्सपर्ट हैं, जिसमें बाजार के मामलों के जानकार हैं, जिसमें हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करने वाले लोग हैं, जिसमें किसानों की बात करने वाले लोग हैं। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से हमने डिवीजन किया हुआ है ताकि आप जिस भी सेक्टर को बिलोंग करते हैं आपके लिए बजट कैसा है आप जान जाएं और ये समझ लें कि इंडिया न्यूज आपके लिए आज एक ठीहा है, एक ऐसा ठीहा जहां पर बजट को बहुत आसान तरीके से आपके लिए हम रखने वाले हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका वो ठीहा यानी आपकी वो जो दुकान है वहां से आपको क्या पिक करना है और आपके लिए क्या खास रहने वाला है। बजट सबसे आसान, बजट आपके लिए क्यों खास, बजट आपकी जेब के लिए कैसा, ये इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ में जुड़े रहें क्योंकि रात 12 बजे तक यह बजट की मेगा कवरेज है, इसका कैनवास बहुत बड़ा है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।